हेलो दोस्त, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड फुल स्क्रीन वीडियो। हम जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर है जो वीडियो बनाते हैं, उनको जो वीडियो अपलोड करते हैं उनको फुल स्क्रीन वीडियो नहीं होता। तो हम हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर से जो वीडियो बनाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर से, उससे हमारा जो वीडियो बनता है वो फुल स्क्रीन नहीं बनता। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटी स्क्रीन में कोई चीज़ हमको बतानी हो सिखानी हो तो छोटी स्क्रीन में जितना दिखना चाहिए उतना दिखता नहीं है। तो हमें फुल स्क्रीन में वीडियो कैसे बनाएं? तो हम फोन में फुल स्क्रीन में वीडियो बनाने के लिए हमको एक दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में से आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो आप ये देख रहे हो ये फुल स्क्रीन वीडियो है, तो प्ले स्टोर में जाके नोवा लॉन्चर नाम की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप पहले उसको डाउनलोड कर दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्ले स्टोर में नोवा नोवा लॉन्चर, तो देखो ये नोवा लॉन्चर नाम की एप्लीकेशन है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फुल स्क्रीन, जैसे हम लैपटॉप में यूज़ करते हैं वैसी फुल स्क्रीन ये देख रहे हो ऐसी दिखाई देगी। तो ये एप्लीकेशन तो डाउनलोड आप कर देंगे, मगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जो करना है वो एक और बात, कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको नोवा सेटिंग में जाना है। फिर से देख लीजिए, नोवा सेटिंग, पहला जो नोवा सेटिंग है उसमें जाने का है। नोवा सेटिंग में जाने के बाद लुक एंड फील नाम का ऑप्शन है, इसमें जाने का, लुक एंड फील। अब आप जब लुक एंड फील के ऑप्शन में जाओगे तब आपको स्क्रीन ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने का। उसके उसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, डिफॉल्ट, ऑटो रोटेट, फोर्स पोर्ट्रेट और फोर्स लैंडस्केप। तो हमको फोर्स लैंडस्केप पे ही क्लिक कर देने का है। मैंने फोर्स लैंडस्केप कर दिया है, तो आप भी उसमें फोर्स लैंडस्केप कर दें। फिर फोर्स लैंडस्केप करने के बाद आपको जो फोन की जो रोटेट, जो ऑटो रोटेट है उसको ऑफ कर देने का है, या फिर आप फोन में सेटिंग में जाके फोन की जो रोटेट है उसको भी आप लैंडस्केप कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप फोन के सेटिंग में जाके उसको आप लैंडस्केप कर दीजिए रोटेट स्क्रीन को। फिर आप जब वीडियो बनाएंगे तो फुल स्क्रीन वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, आपको और एक बात, अगर आप नोवा लॉन्चर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और शुरुआत में आपको होम स्क्रीन पे ऑलवेज नाम का एक ऑप्शन होगा कि आप नोवा लॉन्चर ऑलवेज यूज़ करना है, तो उस पर आप ऑलवेज पे ही क्लिक कर देंगे। अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो मेरी चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।